हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो पॉप 8.4 है, तो टेक्नो पॉप 8.4 की कॉलिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कॉलर आईडी एंड स्पैम कॉल प्रोडक्शन ऑप्शन है, तो कॉलर आईडी एंड डिस्प्ले प्रोडक्शन ऑप्शंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे स्पैम कॉल्स या सस्पेक्टेड या फ्रॉड कॉल्स को आप कॉलिंग बैकग्राउंड में कैसे शो कर सकते हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि स्पैम कॉल्स वगैरह को कैसे पता कर सकते हैं अपने कॉलिंग सेटिंग्स पर जाकर टेक्नो फोन में। तो आज हम बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं शो रहे, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको फिर जाना है सेटिंग्स पे, और सेटिंग्स पे जाते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप कॉलर आईडी एंड डिस्प्ले ऑप्शंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं और कॉलर आईडी को आप इनेबल कैसे कर पाएंगे टेक्नो फ़ोन में, तो आप देखते हैं सेटिंग शो हो रही है। तो बैक करना है, बैक करते ही फोर आइकन्स पे चले जा रहा है। फोर आइकन्स आपके फ़ोन में इस तरीके से आ जाएगा, जिसमें सेटिंग्स पे जाकर आपके पास कॉलर आईडी एंड डिस्प्ले ऑप्शन आ जाता है, जिस पे जाकर आप कॉलर आईडी एंड डिस्प्ले ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं। आप फुल स्क्रीन कॉलर आईडी का यूज़ कर सकते हैं और फुल स्क्रीन के जरिए भी कॉलर आईडी का यूज़ कर पाएंगे और कॉलर आईडी को इनेबल भी आप कर सकते हैं फुल स्क्रीन के जरिए। और जैसे आप पॉपअप विंडो का यूज़ भी कर सकते हैं इसके जरिए, मतलब जो भी कॉल स्पैम कॉल सस्पेक्टेड कॉल्स आती है तो टॉप एरिया में आपके शो हो जाएगी। इस तरीके से फुल स्क्रीन में भी आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलर आईडी को इनेबल करके स्पैम सस्पेक्टेड कॉल्स वगैरह को शो कर सकते हैं कॉलिंग्स में, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, वीडियो अच्छी लगी तो।